तो दोस्तों, अगर आपके पास Realme C21 मोबाइल है और आपको नहीं पता है किस तरीके से इसमें किसी भी ऐप्स को हाइड करते हैं और उसको देखते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप किसी भी ऐप्स को हाइड कर सकते हो। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना होगा। और चलिए मैं यहाँ पर सेटिंग को ओपन कर लेता हूँ। और उसके बाद आपको नीचे जाना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्राइवेसी, तो प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके से आएगा। दोस्तों, ऐप्स को हाइड करने के लिए सबसे पहले ऐप लॉक यहाँ पर दिख रहा है, ऐप लॉक पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। ऐप लॉक पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने फिर से अपना पैटर्न डाल देना है। यहाँ पर जो भी आपका पैटर्न है या पासवर्ड है वो यहाँ पर सेट कर लेना है, हो सकता है आपका ना दिख रहा हो। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से सारे ऐप आ जाएंगे। दोस्तों, जिसको भी आपको लॉक करना है सबसे पहले उसको लॉक, जिस भी ऐप को आपको हाइड करना है उसको सबसे पहले लॉक करना पड़ेगा। तो सिंपली आपको उस पर टैप कर देना है, उसके बाद ऐप लॉक वाले ऑप्शन को इनेबल करना है, जैसा कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। यहाँ पर जिस भी ऐप को आपको लॉक करना है उसको पहले ऐप लॉक कर दीजिए। उसके बाद आपको हाइड फ्रॉम होम स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करते ही आपके पास सेट एक्सेस कोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। सेट एक्सेस कोड पर आपको क्लिक करके आपको सबसे पहले हैज लगाना है, उसके बाद अपना पासवर्ड बना लेना है 4 अंकों का, और उसके बाद फिर से हैज लगाना है। ये पासवर्ड आपका रहेगा। अब इस वाले पासवर्ड का उपयोग कहाँ पर होगा दोस्तों, इस हाइड हुए ऐप्स को ढूंढने में काम आएगा। तो यहाँ पर आपको सेट कर लेना है इस तरीके से, पहले हैज लगाना है, फिर 4 अंकों का कोई भी पासवर्ड डाल करके फिर से हैज लगा करके आपको सेट कर देना है। तो इस तरीके से ये ऐप्स जो है अब हाइड हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आप देखोगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने डायलर में जाना पड़ेगा। और डायलर में जाओगे तो आपको वही वाला कोड यहाँ पर जो है डायल करना पड़ेगा, जो कोड अभी आपने सेट किया। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर देखिए डाला और हैज लगाया, वैसे ही यहाँ पर जो है हाइड ऐप्स ओपन हो जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों, आप यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान तरीके से किसी भी ऐप्स को हाइड कर सकते हो।